बिहार की सियासत में एक बार फिर नीतीश कुमार ने भूचाल ला दिया है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार जल्दी ही इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। वही 28 जनवरी को नीतीश के सीएम पद की शपथ लेने की अटकलें हैं। ऐसे में दिल्ली से लेकर पटना तक खलबली मची हुई है। बैठकों का दौर जारी है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लगातार अपने करीबियों से बात कर रहे हैं। खबरों की माने तो लालू प्रसाद यादव आर पार के मूड में हैं, जहां उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है कि नीतीश कुमार सरकार नहीं बना पाए। वहीं बीजेपी और जेडीयू में भी आगे की रणनीति को लेकर मंथन जारी है, जिससे जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक चल रही है। बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में जेडीयू से आगे जाने को लेकर एक एक करके अपने तमाम बड़े नेताओं से आलाकमान की मुलाकात चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में यह बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष शामिल हैं। चिराग पासवान से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि 2020 में चिराग पासवान ने खुलकर मुखालफत की थी नीतीश कुमार की, जिसके बाद नीतीश कुमार ऐसा मानते हैं कि उनकी वजह से उनको 43 सीटें आई, यानी कि बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे में अब आगे की रणनीति को लेकर मंथन जारी है। दो सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु मिश्रा राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता पटना से शशि भूषण। पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, बैठक लगातार जारी है, काफी देर हो चुके हैं, अंदर का एजेंडा क्या है बिहार को लेकर? क्या यह माना जा सकता है कि आज ही बीजेपी कोई बड़ा फैसला ले सकती है? हिमांशु, देखिए चित्रा, अभी तो फैसला नहीं होगा, लेकिन एक रणनीति के तहत कैसे आगे बढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसको लेकर बातचीत चल रही है। और ये तीनों नेता बैठे हुए हैं, चिराग पासवान को बुलाया गया है क्योंकि कल उन्होंने अपने सभी नेताओं की बैठक बुलाई थी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनसे बात की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप आइए दिल्ली मुलाकात कीजिए। तो चिराग पासवान भी पहुंचेंगे और चिराग पासवान ने ये कहा है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो आए हम, क्योंकि एनडीए में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और नीतीश कुमार पलटी मारने के एक्सपर्ट हैं, उनकी पार्टी ने उनको अधिकृत कर दिया है गठबंधन पे अंतिम फैसला लेने के लिए अगर नीतीश कुमार आते हैं तो। ऐसे में चिराग पासवान जब मिलेंगे तो अमित शाह जरूर चाहेंगे कि वो एनडीए में रहे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को ये साफ संकेत दे दिए गए हैं कि जो उनके चार छोटे पार्टनर हैं, चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इन चारों का सम्मान होगा, इनमें से किसी को भी जो है गठबंधन से बाहर करने की कोई शर्त जो है नीतीश कुमार की नहीं मानी जाएगी। चाहे 2020 के अंदर चिराग पासवान को बाहर किया गया था या 2019 में उपेंद्र कुशवाहा को बाहर किया गया था, ऐसा कुछ उनकी शर्तों को नहीं माना जाएगा। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूध की जली है, छाछ फूक फूक कर पीना चाहती है, इसीलिए हर चीज ठंडा करके खाना चाहती है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह दिया गया है जेडीयू को कि देखिए आपकी शर्तों पे इस बार गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन होगा तो भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पे होगा। मैं रोक रही हूं, बड़ी खबर आ रही है जिसको लेकर लगातार पसोपेश की स्थिति जारी थी, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम देते हैं। आपको बताते चले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाने को तैयार है। आपको बताते चले कि बार बार बीजेपी के साथ फॉर्मूला क्या होगा, अब बीजेपी नीतीश को सीएम पद नहीं देना चाहती थी, इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ये जो सुनहरा मौका उसको मिला है बिहार में, उसको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती, क्योंकि नीतीश मजबूरी भी है बीजेपी की, जरूरी भी है। इस वजह से बीजेपी नीतीश से अपनी शर्तों पर समझौता करेगी, लेकिन सीएम बनाने को तैयार है। कुल मिलाकर सीएम की कुर्सी को लेकर ही पेंच फंसा हुआ था, लेकिन वो एक ऐसे लड्डू है जिनको दोनों हाथों में रखना चाहती है बीजेपी, यही कारण है कि सीएम की कुर्सी देने को तैयार है अब। हिमांशु, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, लेकिन एक चीज देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब उस तरीके से कंट्रोल करेगी जैसे नीतीश कुमार जो है 2005 से जो है 13 तक करते थे और फिर 17 से 22 तक उन्होंने जो कंट्रोल किया, उस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल करेगी। और साथ ही साथ में जिस लवकुश वोट बैंक को लेकर नीतीश कुमार अपना दम भरते हैं, उस वोट बैंक में तो भारतीय जनता पार्टी डेंट लगाने का काम पहले ही कर रही थी। चित्रा, सम्राट चौधरी को बनाया उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष, उपेंद्र कुशवाहा को लाए, कर्पूरी ठाकुर को जो है वो भारत रत्न देने की घोषणा कर दी, तो एक तरीके से नीतीश कुमार के वोट बैंक में डेंट डालने का काम है। 25 तक नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन 25 के बाद की जो राजनीति है, जो अति पिछड़ों की राजनीति और जो अपर कास्ट की राजनीति है,
वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो उनके साथ इंटैक्ट हो जाए, यानी नॉन यादव और नॉन मुस्लिम, यकीनन कर्पूरी ठाकुर जिस जाति से आते थे उस जाति को अपने पाले में लाने की कोशिश के तहत बीजेपी की ओर से ये कोशिश की गई है। क्योंकि आपको बताते चले, अति पिछड़ा 36% है, पिछड़ा तकरीबन 27.5%, नीतीश कुमार ने 75% आरक्षण देने का काम किया था। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो बड़ा सुनहरा मौका उसके हाथ में आया है उसको जाने नहीं देना चाहती और नीतीश कुमार के साथ कदम ताल करने को पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। वैसे आज तस्वीरों में जेडीयू और आरजेडी की खींचतान सुबह से ही देखने को मिली। राजभवन में आज नीतीश कुमार तो पहुंचे लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए, जिसे लेकर जब नीतीश से सवाल पूछा गया तो सुनिए नीतीश कुमार ने क्या जवाब दिया। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? उधर आज राजभवन से एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। नीतीश के बगल में तेजस्वी यादव की सीट थी जिसमें तेजस्वी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन जब तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे तो अशोक चौधरी ने तेजस्वी की पर्ची हटा दी, जिसके बाद वो खुद उस कुर्सी में बैठ गए और नीतीश कुमार के साथ बातचीत करने लगे। नीतीश कुमार का ये यहाँ पर चेयर है, इसके बगल में जो है बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव का यहाँ पर नाम की पर्ची लगी हुई थी, लेकिन शायद उसको हटाया गया है और उसके बाद जब वो नहीं आए थे तब यहाँ पर अशोक चौधरी यहाँ पर बैठे हुए थे और उसके बाद उनके बगल में विजय कुमार सिन्हा जो कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं वो यहाँ तीसरी कुर्सी पर बैठे हुए थे और इस तरफ बीजेपी के 2-3 विधायक मौजूद थे। यानी कि नीतीश कुमार को अगर आप देखें तो वो बीजेपी के नेताओं के साथ काफ़ी सहज महसूस कर रहे थे और तेजस्वी के नहीं आने की खबरें जब चलना शुरू हुई टीवी पर तब आनन फानन में आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री आलोक मेहता 2 मिनट के लिए भागे भागे आए और उसके बाद फिर यहाँ से वो निकल गए। तो ये स्थिति अपने आप में बयान करती है कि किस तरीके से अब रिश्ते बिगड़ चुके हैं। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।